कटिंग करने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये डबल है, ये इसको इस तरह से डबल हम बिछाएंगे और इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो 17 है और चौड़ाई है 11। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके इस तरह से हम इसको टर्न कर लेंगे और देखिए इसकी लेंथ तो 11 ही रहेगी और इस तरह से ये 8.5 इंच है तकरीबन। तो सबसे पहले हम इसका शोल्डर रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ से भी देख लेंगे कितना शोल्डर है, उतना ही यहाँ से होना चाहिए। उसके बाद 6 इंच का जो निशान है हमें यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है और फिर यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, ये मार्जिन रहेगा, और यहाँ से वेस्ट का निशान लगाएंगे और फिर चेस्ट और वेस्ट के निशान को हम मैच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे ऊपर का 2.5 और फिर यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे और फिर यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे और फिर इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब इसमें से हम एक पीस जो है वो अलग कर देंगे, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा होगा, तो इसका जो है हम पहले नेक कट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने 3 इंच का निशान लगाया है ऊपर से, तो 2.5 जो हमने लगाया था वही रहेगा। इसकी गोलाई दे दी है मैंने और यहाँ से भी अब आर्म होल की हमें 1/2 इंच डीप करके इसका निशान लगाना है, तो इसे भी हम कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा रहेगा। अब जो है हम ये बैक वाला हिस्सा लेंगे और इस पर भी हम इसके बैक का नेक कट करेंगे, तो यहाँ से 2.5 रहेगा, यहाँ से भी 2.5 ही रहेगा, 2.5 इंच इसको गोलाई दे देंगे और फिर इसको हम कट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से हमें 2 इंच और यहाँ पे निशान लगाना है, इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और जो 2 इंच का हमने निशान लगाया है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से जो है ये हमारा एरिया ओपन रहेगा। तो ये दोनों पीस तो हमारे कट हो गए हैं, अब हम स्लीव कट करेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने इसको फोल्ड कर रखा है, 2 पीस हैं ये और इस तरह से मैंने इनको फोल्ड कर लिया है और फोल्ड हिस्सा जो है वो हमेशा हमें अपनी तरफ रखना होता है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पर मैं इसको आर्म होल को कट कर लूँगी। और आर्म होल अगर आपको कट करना नहीं आता है तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने स्लीव्स को कट करना सिखाया है बहुत अच्छे तरीके से, तो अब वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमें यहाँ पे जो है बस हल्का सा हमने इसको ढाल दिया है, हमें ज़्यादा नहीं यहाँ पर कटना है क्योंकि हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। अच्छा, आगे यहाँ पर जो मुझे फ्रिल लगानी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पट्टी कट कर ली है, और अगर आप पट्टी ना लगाना चाहें तो आप पूरी एक ही लेंथ में स्लीव काट लें, तकरीबन 15 इंच की रहेगी ये मेरी तैयार। तो आप चाहें तो जोड़ ना लगाएं, इसमें फ्रिल ना लगाएं, सीधी ऐसे ही काट लें, तो आप 15 इंच की तैयार 15 इंच काटिएगा। देखिए इस तरह से ये हमारी जो है स्लीव 15 इंच की तैयार आ जाएगी। और यहाँ पर इसी जोड़ पर हमें जो है वो इलास्टिक भी लगानी है, तो ये लास्टिक देखिए इस तरह से आएगी। तो मैंने ये तकरीबन 9 इंच की लास्टिक कट कर ली है, 2 पीस मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब जो है ये हमारे स्कर्ट है, तो स्कर्ट के लिए मैंने जो मेजरमेंट है वो मैंने आपको दे ही दिया है, तो आप इसे उसी नाप से कट कर लें, ठीक है, इस तरह से। अब जो है हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे, तो सिलने के लिए पहले मैंने यहाँ पर कॉटन का एक इनर कट किया है, जो कॉटन के जो अस्तर आता है वो लिया है मैंने यहाँ पे, और इस तरह से बस इतना हमें कट करना है ताकि ये पीस हमारा इस पर फिट आ जाए।
तो इस तरह से हम इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसके बाद हम इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हमें सिर्फ इसके नेक पे एक पैर की सिलाई लगानी है। एक पैर की सिलाई मैंने लगा ली है और एक पैर की सिलाई लगाने के बाद अब जो है हम सिर्फ इसका नेक कट करेंगे। तो इस तरह से हम इसका सिर्फ नेक कट कर लेंगे और इसको टर्न करने से पहले हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और उसके बाद हम इसकी पिंस को निकाल देंगे और इसको टर्न कर लेंगे। इस तरह से हम इसके नेक को सेट कर लेंगे और फिर हम इसको फिर से पिनअप कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, सिर्फ नेक पे जो है हम जो बारीक सिलाई है वो लगाएंगे और बाकी यहाँ से यहाँ तक बाकी जो है हम एक रफली सिलाई लगा लेंगे, बड़ी चाल से सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इस पे अस्तर को जो सिर्फ अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से जो है सिलाई स्टार्ट की है, नेक से स्टार्ट की है मैंने सिलाई और यहाँ पे तो मैंने बारीक सिलाई ही रखी है जितनी की होनी चाहिए मैं सिलाई करते वक्त, तो उसी चाल से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। और फिर यहाँ तक लाने के बाद जो सिलाई है मैंने इसकी चाल जो है वो बढ़ा ली है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे अस्तर को कपड़े से अटैच कर लेना है बस, तो हमें यहाँ पे बारीक सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इसके जो सारी साइड्स हैं वो अटैच कर लेंगे ताकि इसे चिपक जाए अच्छी तरीके से और ये इधर उधर ना भागे। और उसके बाद इसी शेप में मैंने इस अस्तर को कट कर लिया है। तो ये फ्रंट पीस जो है वो हमारा तैयार है। अब हमें इसका जो बैक का हिस्सा है वो हम सिलेंगे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक अस्तर का पीस ले लिया है। इस तरह से इसे भी हम रखेंगे और फिर इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिर्फ नेकटाई में सिलाई लगानी है तो इस तरह से मैं यहाँ तक एंड तक लाऊंगी इसको, फिर इसको टर्न कर लेंगे और यहाँ नीचे लाके हमें इसको बिल्कुल हमें एग्जैक्ट वी बनाना है। जिस तरीके से हम वी होता है बिल्कुल इस तरीके से हम यहाँ पे इसको शेप देनी है और यहाँ तक लाएंगे इसको, फिर इसको टर्न कर लेंगे। तो बस हमें यहाँ पे सिर्फ नेक पे ही सिलाई लगानी है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका नेक जो है उसे कट कर लेंगे और ये जो हमने यहाँ पे कट लगाया था इस पे भी हम दोबारा से कट लगा लेंगे, अस्तर पे कट लगाएंगे और यहाँ पे हम टर्न करने से पहले छोटे छोटे कट लगाएंगे। शोल्डर कट करेंगे हम, पिंस निकाल लेंगे पहले, उसके बाद हम शोल्डर कट कर लेंगे। और आप चाहें तो पूरा भी कट कर सकते हैं, पर अभी मैंने सिलाई लगाई नहीं इसलिए मैंने कट किया नहीं। आप चाहें तो पूरा अस्तर भी कोटी के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ये कपड़ा जो है इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और जो हमने फ्रंट पीस तैयार किया है उसे इस तरह से हम रखेंगे। अस्तर से हमें अस्तर को मैच करना है और कपड़ा जो है वो मेन फैब्रिक जो है वो मेन फैब्रिक की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसको सेट करना है। देखिए अस्तर से अस्तर मैंने मैच किया है, पीछे दोनों अस्तर हैं और आगे की तरफ दोनों कपड़े हैं। तो इस तरह से इस कपड़े को हमने सेट कर लिया है शोल्डर को और अब हम इसको पिनअप कर लेंगे ताकि ये मूव ना हो। इसी तरीके से देखिए इसको इसके बीच में हम रखेंगे। हमें पीछे वाले पीस के दोनों हिस्सों के बीच में हमें आगे वाला पीस रखना है बस। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे और हम शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर पे डबल सिलाई लगानी है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे, सीधा कर लेंगे इसको हम। देखिए इस तरह से फोल्ड के हम सीधा कर लेंगे
पीछे वाले हिस्से को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से अस्तर लगाने और नेक बनाने का जो फ़ायदा है वो ये है कि देखिए हमारे यहाँ पे जो जोड़ है जो आता है वो अंदर की तरफ चला गया है, पूरी सफाई आई है हमारी, तो ये बच्चे को चुभेगा भी नहीं और शोल्डर की जो दिखाई सिलाई जो दिखाई देती है वो भी दिखाई नहीं देगी। अब हम इसको पिनअप कर लेंगे पीछे वाले हिस्से को। आगे वाला हिस्सा तो हमारा बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम इसी शेप में कट कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई, यहाँ से पूरा जो नेक है और शोल्डर है हमें इस पर बारीक सिलाई लगानी है। और फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बड़ी चाल से, इसको हम सिल लेंगे ताकि अस्तर जो है वो इससे अटैच हो जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने छोटी चाल ही रखी है। इस तरह से हमें इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है, जितना हो सके आपसे उतनी किनारे पे सिलाई लगाएं। यहाँ पे इसको फिर से टर्न कर लेंगे और फिर यहाँ पे लाके फिर से हम इसको टर्न करेंगे और बिल्कुल किनारे पे हम इसके सिलाई लगा देंगे। फिर शोल्डर पे लगा देंगे सिलाई हम। और यहाँ से जो है मैंने सिलाई को बड़ा कर लिया है, बड़ी चाल से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। अब जो ये कोटी है वो हमारी रेडी है, टॉप हमारा बिल्कुल रेडी है और देखिए कितनी सफाई आई है इसमें। और अब हम जो है इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे, तो मैं एक स्लीव आपको तैयार करके दिखाती हूँ, आप दूसरी स्लीव भी इसी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो पहले हम स्लीव के सेंटर के निशान लगा लेंगे और यहाँ से जो है हम एक हिस्से को हम इस तरह से कट करेंगे। तो ये हिस्सा जो है वो हमारा आगे वाले हिस्से से, टॉप का जो हमारा आगे का हिस्सा है उससे अटैच होगा। तो अभी जो पीस हमने कट किए थे इन्हें हम एक साइड से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों हिस्सों पे हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है दोनों हिस्सों पे। अब हम इसे स्लीव से अटैच करेंगे। तो बस हमें स्लीव के ऊपर इस पीस को इस तरह से रखना है और बस यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर इलास्टिक लगानी है। तो इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे और जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर इस तरह से रख के हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से जो सिलाई है तो उसके ऊपर मैंने इसको रखा है, पट्टी को टर्न करके उसी पट्टी के ऊपर मैंने इस इलास्टिक को रखा है और इसको मैंने खींच के इसके ऊपर लगा लिया है। तो इससे जो है यहाँ पे हमारी प्लेट्स डल जाएंगी, फ्रिल यहाँ पे आ जाएगी हमारी। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव पे भी इसको लगा लेंगे। तो ये दोनों जो है हमारी देखिए रेडी हैं। अब हम इसको टॉप से अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए देखिए पहले तो ध्यान देना है हमें इस बात का कि जो हमने निशान लगाया है ये जो है ये फ्रंट वाले पार्ट से ही अटैच हो। तो हमने पहले क्या किया है, इसका सेंटर का निशान लगा लिया है और सेंटर का निशान जो है वो बिल्कुल शोल्डर से हमारा अटैच होना चाहिए। उसी तरीके से हम दूसरे स्लीव पे भी सेंटर का निशान लगाएंगे और ये निशान जो है वो इस तरह से शोल्डर से बिल्कुल अटैच होना चाहिए। तो मैंने बस यहाँ पे दोनों पीस को रखा है और सिलाई लगा दी है।
मैंने यहाँ पे सिंगल सिलाई ही लगाई है, आप चाहें तो डबल भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये बिल्कुल शोल्डर पे आ गया है निशान, सेंटर का निशान। सिर्फ लगाना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा सा सिलेंगे और फिर टर्न करेंगे, फिर सिलेंगे, फिर हल्का सा टर्न करेंगे, तो आसानी से स्लीव अटैच हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी मैंने अटैच कर ली है। अब देखिए मेरे पास ये मैंने बद्दियाँ सिल ली हैं, ये तो आप आसानी से सिल ही लेंगे। तो इसको हम इस तरह से नीचे को हम सिलाई के लिए हिस्सा जो छोड़ लेंगे, मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि अभी हम इसे जो हमारा स्कर्ट है उससे अटैच करना है, तो उसके लिए छोड़ के हम इनको हम पिनअप कर लेंगे। इस तरह से पिनअप कर लेंगे और पिनअप करने के बाद बस हमें ये करना है कि स्लीव में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस तरह से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे मार्जिन को छोड़ते हुए, और इसी तरीके से यहाँ से इस तरह से सिलाई हम यहाँ तक ले आएंगे, तो हमारा टॉप जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए हमारा टॉप जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और कितनी सफाई बनी है आई है इसमें। तो आप जो टॉप वाले पार्ट में अब जो जिस तरह से मैंने इनर लगाया है, तो आप इनर ज़रूर लगाएं, इससे सफाई बहुत आती है। तो इसके बाद जो है अब हमने इसकी स्कर्ट ले ली है, इस तरीके से हम इस तरह से खोलेंगे और इसके दोनों हिस्सों को हम सिल लेंगे। तो यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे और एक यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, तो इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। तो देखिए मैंने जो है सिलाई लगा ली है दोनों हिस्सों पे, और इस तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे। और हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखिए नीचे की साइड जो है मेरी कन्नी है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको सिंगल टर्न करके सिलाई लगानी है मुझे यहाँ पे। अगर आपकी कन्नी नहीं है तो आप क्या करें कि पहले हाफ इंच टर्न करें और उसके बाद आप फिर एक इंच टर्न कर लें और फिर यहाँ पे सिलाई लगाएं। तो मैं जो हूँ वो इसी तरीके से सिंगल मोड़ के पूरे सर्कल में सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा भी ली है, और अब हम क्या करेंगे इनके सेंटर के निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई को मिला के यहाँ पे एक सेंटर का निशान लगा लें और एक दूसरी साइड पे सेंटर का निशान लगा लें। अब हम इसको टॉप से अटैच करेंगे, तो टॉप के साथ भी हम यही करेंगे। इस सिलाई को हम इस तरह से मिला के यहाँ पे एक सेंटर का निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से दोनों के जो सिलाई का एरिया है वो हमें मैच करना है। यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है साइडों की सिलाई, और मैच करके पिनअप कर लेंगे। उसके बाद जो हमने सेंटर के निशान लगाए हैं दोनों पे, उन्हें हमें अटैच करना है, और यहाँ पे हम उसे भी मैच कर लेंगे, पिनअप कर लेंगे, और फिर साइड से फिर से हम दोनों की सिलाइयों को मैच करके पिनअप कर लेंगे, और फिर यहाँ से भी दोनों के सेंटर का निशान हम अटैच कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे बिल्कुल इक्वल प्लेट्स डालेंगी। देखिए जो आपको ओपन एरिया दिख रहा है इसकी हमें प्लेट्स डालनी है यहाँ पे। तो मैंने जहाँ पे सिलाई होती है साइड की, वहाँ से मैंने इसको सिलना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जो है मैंने प्लेट्स डाली हैं, तकरीबन आधे इंच की मैंने प्लेट्स डाली हैं, और प्लेट जो है वो मैंने अपने से अपोजिट साइड में डाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से प्लेट्स जो है वो मैं वहाँ तक डालूँगी जहाँ तक हमने सेंटर का निशान लगाया है। इसी वे में मैं वहाँ तक सिलाई प्लेट्स डालूँगी। अब देखिए यहाँ पे सेंटर तक तो मैंने उसी तरीके से डाली है, और सेंटर पे आने के बाद मैंने प्लेट्स का जो रुख है वो चेंज कर दिया है। तो प्लेट जो है अब मैं अपनी तरफ डाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने प्लेट्स को अपनी तरफ डाला है। तो ये प्लेट जो है मैं साइड की सिलाई तक डालूँगी,
और इसी तरीके से जब हम पीछे जाएंगे तो इसी तरीके से हम पीछे की तरफ भी प्लेट्स डालेंगे। तो एक तरफ की प्लेट जो है वो राइट की तरफ आएंगी, एक साइड की जो है वो लेफ्ट की तरफ आएंगी। तो इस तरह से जो हमारी प्लेट्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से डलेंगी, एक वे में डलेंगी। और एक बार सिलाई लगाने के बाद, प्लेट्स डालने के बाद, मैंने उनके ऊपर दोबारा से एक और सिलाई लगाई है ताकि ये थोड़ी मज़बूत हो जाए और आसानी से ना टूटे सिलाई। अब देखिए हमारी फ्रॉक जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरह से ये आगे का हिस्सा है, ये हमारी हमारा जो टॉप है ये वो है, स्लीव्स हमारी यहाँ तैयार हो गई हैं। ये हमारे नीचे का जो घेरा है वो देखिए कितना सारा आया है। प्लेट तो जितनी हो फ्रॉक में उतनी ही अच्छी लगती हैं, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा इसका घेर रखा है। अब जो है यहाँ पीछे की तरफ जो है मैं यहाँ पे ये टिच बटन लगाने वाली हूँ, आप चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने टिच बटन लगा लिया है और यहाँ आगे की तरफ सेंटर में मैंने एक बो लगाई है, बो बना के लगाई है मैंने, और कलर से मैच होता हुआ ही मैंने यहाँ पे एक बटन भी लगाया है। तो आप इस तरह से बो लगा सकते हैं। हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।